एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पे जो है, मैंने करवा चौथ पे फ्लिपकार्ट से एक ज्वेलरी सेट जो है मंगवाया था, डिलीवरी करवाया था, और वो करवा चौथ पे नहीं आया। मुझे इतना गुस्सा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और अब जाकर के मुझे फ्लिपकार्ट वालों ने डिलीवरी दिया है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो लेकर के आए। इतना गुस्सा आ रहा था ना कि आप पूछिए मत। तो अभी मैं इसको टियर करके आप लोग को फाड़ के दिखाऊंगी कि ये कैसा आया है एक्चुअल में। तो मैंने एक ज्वेलरी सेट मंगवाया था ताकि वो जो मैंने साड़ी वेयर किया था उस पर बहुत अच्छा लगता, बट इतना गुस्सा आ रहा था ना अभी डिलीवरी देख करके। अब मैं इसका क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये ज्वेलरी सेट कैसा लग रहा है आप लोगों को, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो उतना कुछ खास नहीं लगा, एवरेज लगा, मेरे हस्बैंड को भी नहीं लगा। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं क्या करूँ। आप लोग को ज्वेलरी दिखाना था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आई एम सो सॉरी, बट मैं आप लोग को अभी दिखा देती हूँ। मैंने अभी जस्ट एडिट करने के लिए वीडियो डाला, देखा कि वो तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो चलिए आप लोग को मैं अभी दिखा देती हूँ। तो उसको किस तरीके से पैकेजिंग में आया है, पैकेजिंग जो है काफ़ी अच्छा भी है फ्लिपकार्ट वालों में। और ये थोड़ा सा मुझे लगा कि पेपर की तरह है, बस क्लियर करो। तो ये जो पहले कार्टून में आता था ना, वो ज़्यादा सेफ था। तो बस ये देख सकते किस तरीके के डब्बे में दिया हुआ है। मैं ओपन कर रही हूँ, तो बस ज्वेलरी इसको बस मैं निकालती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ज्वेलरी दिया है तो किस तरीके का है, तो चलिए आप लोगों को मैं पहन के दिखा ही देती हूँ। तो इतना किया है तो मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगी। तो ये इस तरीके का नेक सेट है, ये पूरे आपके नेक में अच्छे से कवर हो जाता है। तो इसलिए आपको ईयरिंग पहन के मैं दिखा देती हूँ कि ये मुझे उतारना पड़ेगा ये सोने वाला। अच्छा तो लग रहा है, बट ये मैंने करवा चौथ पे मंगवाया था, अभी जाके मुझे ये डिलीवरी कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे सच बोलते, क्योंकि मुझे पहनना था। मुझे लगा कि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लाया था, तो मुझे लगा कि चलो मंगवा लेते हैं, बट डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ। तो ये कुछ इस तरीके का जो झुमका है यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी मैं पहन के आप लोग को बता देती हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मुझे तो भी बहुत अच्छा लगा। मतलब एवरेज लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, एवरेज लगा, क्योंकि किस तरीके का नहीं है। और इसमें एक बहुत प्यारा सा मांडिका भी था, वो ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता, तो मुझे बहुत अच्छा था। ओवरलुक बहुत अच्छा था, बट ये मुझे करवा चौथ पर रिसीव नहीं हुआ है, करवा चौथ के एक दिन बाद हुआ है। तो मेरा जो डब्बा था वो गिर गया है। ये भी मैं आप लोग को अच्छे से लगा के दिखाई देती हूँ, जब यहाँ तक आया ही है। तो ये कुछ इस तरीके का है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का था सेट, मुझे काफ़ी सिंपल और सोबर लगा था, और आया भी वैसा ही है। बट एक दिन बाद आया करवा चौथ का, तो इसको मैं समझ में नहीं आया इसको रिटर्न करूँ कि क्या करूँ, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो वो कुछ इसी तरीके का चल रही है। तो चलिए मैं इसको उतारती हूँ और मैं नाश्ता करती हूँ, और आप लोग मेरे ब्लॉग्स को इन्जॉय कीजिए। ब्रश करो, ये कर दो, देखो पापा ब्रश कर रहे, देखो तुम भी करो, करो करो कर लो, कर लो मेरे बेटा जी, अच्छा करो, तुम भी करो तो बेटा कर लो। तो करो प्रयास, कहाँ गया, जल्दी करो करो, ई करो ना, कर लो बेटा। एवरीवन,
जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिवाली आने वाला है, दिवाली का साफ सफाई जो मैंने स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग, तो सारा कुछ मैं जल्दी जल्दी क्लीन कर देती हूँ। पहले एक रूम करूँगी, फिर दूसरा रूम करूँगी, उसकी आँख भी है तो उसको भी संभालना है मुझे, तो चलिए स्टार्ट कर। क्लीन कर दिया है अच्छे से, और बस ये कपड़े जो हैं इसको मुझे आयरन करना है। बेहतर तो मैं नहा के आ गई हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। नहाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो ये देख सकते हैं मैंने आज सूट वेयर किया है। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही कम यहाँ पे सूट वेयर करती हूँ, तो मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइए, क्योंकि ये जो सूट है ये मेरी शादी का सूट है और बहुत ही प्यारा है। इस पर वर्क किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जड़ी का वर्क किया हुआ है, बहुत ही प्यारा सूट है। तो बस
चलिए बैठते हैं, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। आज तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती, हद से ज़्यादा मैं थक गई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया था। फ्रिज वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, मतलब फ्रिज को पूरा रैक वगैरह खोल के अच्छे से उसको एडजस्ट करके सारा सामान निकाल करके बस उसको अच्छे से मैंने धो लिया है फ्रिज को। फिर वॉशिंग मशीन को भी देखा ही है आपने कि कितना मैंने डीप क्लीनिंग किया, कितना मैंने मेहनत किया है वॉशिंग मशीन के पीछे, गैस वगैरह जो अच्छे से मैंने साफ कर दिया। यानी कि दिवाली की सफाई का जो प्रिपरेशन था वो मेरा हो चुका है, क्योंकि दिवाली में तो हम लोग यहाँ रहेंगे नहीं, फिर भी मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ से धनतेरस के दिन निकलेंगे और छोटी दिवाली के दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, यानी कि सेकेंड सैटरडे हो रहा है, तो सेकेंड सैटरडे और संडे जो है वो हम लोग ससुराल में बिताएंगे, यानी कि दिवाली। और उसके बाद छठ पूजा जो है वो मेरे आप मायके में देखेंगे, क्योंकि मेरे मैं अपनी मम्मी के यहाँ करूँगी। और वो क्यों करती हूँ वो आप लोग को अच्छे से पता है कि मेरी मम्मी जो है वो छठ पूजा के दिन गिर गई थी, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आ गया था, तो जिसके कारण मैंने मम्मी का छठ उठाना सही समझा, तो बस मैं छठ कर रही हूँ। तो वो भी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं छठ पूजा के भी, तो आप लोग बताइएगा कि करवा चौथ के दिन मैं कैसी लग रही थी। यार करवा चौथ के दिन मैंने ना एक नेकलेस ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, मुझे लगा अगर वो आ जाएगा तो मैं पहन लूँगी, बट वो नहीं आया, इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, आप पूछिए मत इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। आज जाके डिलीवरी हुआ है, कल आया था डिलीवरी, तो आप लोगों को मैंने दिखाया अभी था पैकिंग खोल करके आप लोगों के सामने कि वो कैसा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि वो ज्वेलरी आपको कैसा लग रहा है। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मुझे वो एवरेज में लग रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको मैं रिटर्न करूँ या रखूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मुझे वो रखना चाहिए या फिर मुझे रिटर्न कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो मेरा कोई यूज़ का नहीं है, क्योंकि दिवाली में देखते हैं कि क्या पहनेंगे। तो बस वही सब था। और आपको मेरा साड़ी कैसा लगा? साड़ी बहुत सुंदर लग रहा था, मेरे हस्बैंड की चॉइस का था, और मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, जो भी दिया उन्होंने बहुत प्यार से दिया है। तो हस्बैंड का तो सब कुछ हस्बैंड ही करता है यार, कौन करेगा, हस्बैंड ही सब कुछ मतलब करते हैं, जो भी मतलब मेरा छोटा से छोटा जो जिद है सब कुछ है मम्मी के बाद जो है वो मेरे हस्बैंड पूरा करते हैं। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ऐसी मम्मी मिली और ऐसा मुझे हस्बैंड मिला कि मिले कि मुझे वो इतना इज्जत देते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे इतना प्यार करते हैं। तो बस यही सब कुछ है। और आप सब ने दिवाली की सफाई किया कि नहीं किया वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो दिवाली का सफाई हो चुका है, बहुत अच्छे से मैंने क्लीन वगैरह कर दिया है, अच्छे से डीप क्लीनिंग किया, फ्रिज के नीचे मैंने अच्छे से साफ़ किया है, वॉशिंग मशीन में भी मैंने अच्छे से साफ वॉफ कर दिया है, सोफ़ा वगैरह को मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। बस सोफ़ा का एक कवर ले करके आना है, तो वो मैं ऑनलाइन देख रही हूँ, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, तो देखते हैं हाँ हम लोग इस बार ले पाते हैं या नहीं, लेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसे कैसे ब्लॉग्स चाहिए, क्योंकि इस बार तो आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। बस आप लोग बहुत सारा प्यार कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं खाया है, 4 बजने वाले हैं और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो सोच रही हूँ कि कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, बैक में भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को पेन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ खा लेती हूँ। इससे पहले मुझे क्रियांश के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं क्रियांश का घी जो है बॉइल करने के लिए गैस पर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो चलिए मैं उसका पहले क्रियांश का घी बॉइल करके गर्म हो जाता है, उसके बाद मैं रोटी डाल दूँगी, दूध रोटी, सुबह भी उसने दूध रोटी खाया था, उसको काफ़ी ज़्यादा खांसी है, तो मैं अब उसको चावल वगैरह दाल वगैरह नहीं दे रही हूँ, दूध ही रोटी दे रही हूँ, तो अभी भी मैं सोच के उसको दूध रोटी खिला देती हूँ ताकि इसका पेट जो है वो भरा रहेगा, और थोड़ा सा भी उसको दूध पिला दूँगी मैं। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, और आप लोग बताइएगा सूट आपको कैसा लग रहा है, ये सूट आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये सूट कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, ये कलर जो है ना लाइट कलर है, और मुझे लाइट कलर बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए आप लोग को मौसम भी दिखा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है धूप है, इतना ज़्यादा धूप है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए व्लॉग्स को अब एंड करते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करने से ना मैं एक एक कमेंट को पढ़ती हूँ और सबका रिप्लाई करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम फॉलो करने से आप लोगों को मेरे नए नए रील्स, क्रियांश का एक्टिविटी सब कुछ पता चलेगा। तो ब्लॉग्स को यहीं पर एंड करते हैं, जा रही हूँ मैं नाश्ता करने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड एडवांस आप लोग को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। तो बस ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय एवरीवन एंड टेक केयर। प्लीज़ अपने छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा केयर कीजिए क्योंकि अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इवनिंग में और मॉर्निंग में ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, तो ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए तो मेरा यहाँ दूध भी गर्म हो गया है, तो ब्लॉग्स को मैं एंड करते हैं और जा रही हूँ मैं नाश्ता करने, तब तक के लिए बाय एवरीवन।